हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ईआर ग्रेड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 6283 आईसी के किट में बास, वॉल्यूम और ट्रेबल का कनेक्शन करने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से करता हूं रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 पोटेंशियोमीटर, जिसमें से जिसको आप वॉल्यूम को बनाना चाहते हैं उसका जो वैल्यू है दोस्तों, उसको 100 के का लेना है, और जो बास का और ट्रेबल का बनाना है उसको आप 40 के या 50 के का ले सकते हैं। मैं लिया हूं दोस्तों एक 50 के का और एक लिया हूं 47 के का, तो आप भी यह ले करके बना सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों, कंपोनेंट्स में हमें चाहिए 3 कंपोनेंट्स, जिसमें से है दोस्तों एक है, दो है पीएफ और एक है रजिस्टर, जिसमें से है दोस्तों एक पीएफ है 103 का, जिसको पीको फाराड भी कहते हैं। दोस्तों, ये भी एक कैपेसिटर का टाइप्स होता है, कैपेसिटर का स्मॉल वैल्यू का होता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों, एक पीएफ चाहिए हमें 104 का, जो कि है कुछ ये, ठीक है। और उसके बाद से चाहिए दोस्तों हमें एक रजिस्टर, जिसका वैल्यू है 4.7 के, उसको आप 4K7 भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका वायरिंग में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ वॉल्यूम का। तो दोस्तों, जो 103 का पीएफ है उसको इसमें दोस्तों, ये जो पीएफ है इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, आप इसको किधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो पिन नंबर ये दोस्तों मैं बनाने जा रहा हूँ बास का, तो बास में यहाँ पर बनाना, सॉरी ये है मेरा वॉल्यूम का है, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा इसको बास का, तो इसके बास में क्या करूंगा, ये जो पहला पिन है दोस्तों, इसके पहले पिन और दूसरे पिन जो है उसमें 103 का पीएफ मैं यहाँ पे जोड़ ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ने के बाद ये जो मिडिल वाला जो तार है, यहाँ पे मिडिल वाला जो पॉइंट है उसमें जोड़ना है 4.7 के वाला जो रजिस्टर था उसको जोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद से जोड़ने के बाद ये दोस्तों वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन जो है कम्प्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से मैं बताता हूँ अब आप लोगों को ट्रेबल का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो ट्रेबल में क्या करना है दोस्तों, मैं ट्रेबल बनाऊंगा इस पोटेंशियोमीटर को। इस पोटेंशियोमीटर को करना है कुछ इस प्रकार से कि ये जो मिडिल वायर है दोस्तों, मिडिल ये जो वायर है इस पोटेंशियोमीटर का, इस कैपेसिटर 104 का कैपेसिटर या फिर पीएफ को आपको जोड़ लेना है मिडिल वाले वायर में, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं जोड़ लिया हूँ। इसको जोड़ने के बाद अब मैं कनेक्शन करने बताता हूँ वॉल्यूम से, ठीक है। तो वॉल्यूम वाली वायर जो है मेरा, तो वॉल्यूम वाला वायर है दोस्तों ये है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हर एक पोटेंशियोमीटर में, तीनों पोटेंशियोमीटर में दोस्तों, इसके राइट वाले वायर में जो है यहाँ पे कॉर्ड में लगेगा ग्राउंड हर एक पोटेंशियोमीटर में, ठीक है, बास, ट्रेबल और वॉल्यूम तीनों में। और ये है मेरा ऑक्स, इस ऑक्स का भी ग्राउंड भी इसी में जुड़ेगा, और इस ऑक्स के ग्राउंड को भी मैं वहाँ पर ग्राउंड से जोड़ूंगा, कनेक्ट करूँगा बैटरी के ग्राउंड से, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद से ये है ग्राउंड का दोस्तों, ये ब्लैक वायर, और रेड वायर रहेगा मेरा ऑडियो इन, जो कि मैं दूंगा किट में, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप वॉल्यूम का पिछली वीडियो में बताया हूँ, वॉल्यूम का वायर जो कनेक्शन करना है ऑडियो इन जो जाता है किट में, उसी प्रकार से अभी यहाँ ये जो वॉल्यूम वाला वायर है उसको उसी प्रकार से इसमें भी कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर जोड़ लिया हूँ। उसके बाद से इसको जोड़ने के बाद दोस्तों, ये जो बास और ट्रेबल जो है दोस्तों, उसमें भी ऑडियो इन जाता है, ठीक है। किस प्रकार से जाता है मैं वो भी बताता हूँ। उसके बाद से इसमें देने के बाद दोस्तों, ये मैं जोड़ूंगा किट में, ठीक है। और उसमें जोड़ने के लिए मैं यहीं से कर लेता हूँ कनेक्शन। ये ग्राउंड रहेगा मेरे बास के लिए, मैं यहीं से कर लेता हूँ कनेक्शन, डायरेक्ट मैं किट से नहीं करने वाला हूँ। बास और ऑडियो आउटपुट, ठीक है। ऑडियो इन जो है दोस्तों, ये रहेगा मेरा इस जगह से, है ना, यहाँ पर रहेगा ये इस जगह से, ठीक है, पहले वाले पिन नंबर से। ऑडियो इन देंगे अगर हम लोग दोस्तों, ऑडियो इन देंगे इसमें, ठीक है, वॉल्यूम में देंगे तो हम लोगों को देना होगा बास और ट्रेबल में भी तो देना होगा। बास और ट्रेबल में देंगे तभी तो बास और ट्रेबल से इसे काम करेगा। तो ये यहाँ से हो गया कनेक्शन, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैं किया हूँ कनेक्शन। इसको कनेक्शन करने के बाद ये ब्लैक वायर है ग्राउंड का, तो इस ग्राउंड वाले वायर को, ये है मेरा बास का, ठीक है, तो इस ग्राउंड को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसको कनेक्ट करने के बाद ये जो वायर है दोस्तों ऑडियो इन का, तो इस किट में भी हमें देना होगा ऑडियो इन, वॉल्यूम वाले में भी देना होगा ऑडियो इन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वॉल्यूम, ऑडियो इन का दे दिया हूँ। उसके बाद से ग्राउंड वाला वायर जो है दोस्तों ट्रेबल में भी मुझे जोड़ना है, तो ट्रेबल के लिए मैं यहाँ से जोड़ लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ से डायरेक्ट ले जाऊँगा ट्रेबल में, ठीक है, जिसको आप जंपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया, और ये
जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों ये जो वायर है ब्राउन कलर का, ये जुड़ेगा मेरा ऑडियो इन जाएगा जो कि ट्रेबल में जाएगा, ठीक है, और ब्लैक वाला जो है ग्राउंड वायर में जाएगा। तो ग्राउंड वायर के लिए इसमें देना है, इस साइड वाले पिन में। मैं पिछली वीडियो में जिस तरह से बताया हूँ दोस्तों कि अगर आप राइट साइड में ग्राउंड देते हैं या तो फिर आप लेफ्ट साइड में भी दे सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में देंगे तो ये जो रोटेशन है पोटेंशियोमीटर का, उसको आपको अपोजिट करना होगा, तभी वॉल्यूम यह बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं इधर दे देता हूँ। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये वायरिंग हो गया। उसके बाद से ये वायरिंग हो गया वॉल्यूम बास और ट्रेबल का, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये जो वायरिंग हो गया है। उसके बाद से दोस्तों इसमें क्या करना है, ऑडियो इन देना है, ठीक है। तो ऑडियो इन मेरा एक लेफ्ट है, एक राइट है और एक ग्राउंड है। तो ग्राउंड है मेरा ग्रीन वाला वायर, तो इस ग्रीन वाले वायर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस ग्राउंड में, तो इसके ग्राउंड में, तो इसका ग्राउंड जो है यहाँ पर है, तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों ये है मेरा राइट वायर इस हेडफोन का, ऑक्स का, तो मैं इसमें दे देता हूँ ऑडियो इन, ठीक है। तो मैन जो है दोस्तों मैं इसको बनाया हूँ वॉल्यूम वाले को, वॉल्यूम वाले से ही मैं सारा का सारा कनेक्शन किया हूँ। उसके बाद से इसको किट में कनेक्शन करने के बाद दोस्तों एक मेरा ये हो गया, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, एक मेरा ये हो गया ग्राउंड का और ये हो गया ऑडियो इन जो कि जाएगा मेरा किट में। तो ये है दोस्तों मेरा 6283 IC का किट, और इसी किट में सारा का कनेक्शन मैं करूँगा, ठीक है। तो इसका जो है एक ग्राउंड में कनेक्शन करना है, तो ये जो ग्राउंड है इसका ग्राउंड ये है यहाँ पर इस जगह पर, तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको कनेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो दूसरा वायर है ये ऑडियो इन जाएगा, जो कि वॉल्यूम से मैं लाया हूँ ऑडियो इन रेड वाला वायर, उसको ऑडियो इन दे देना है इस किट पे, ठीक है। तो इसमें किट में मैं दे देता हूँ। इसमें देने के बाद दोस्तों ये हो गया किट में, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों ये ऑडियो इन सारा किट कंप्लीट हो गया। उसके बाद से मैं स्पीकर के वायर को एक में जोड़ लेता हूँ, उसके बाद से दूंगा इसमें सप्लाई, उसके बाद से अब आप लोगों को मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों इसमें जो है साउंड की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है, आप भी इसे प्ले करके बना करके देख सकते हैं चेक करके। और इसमें ये तो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों इसमें देना है 9 वोल्ट या 5 वोल्ट, मैं दे रहा हूँ DC करंट इसमें 9 वोल्ट। मेरा ये है बैटरी का नेगेटिव, तो इस बैटरी के नेगेटिव को मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। इसको यहाँ पर जोड़ने के बाद बैटरी का पॉजिटिव है, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव जो है दोस्तों मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। ये बैटरी वाला वायर दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, आप वहाँ से भी देख सके सीख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं इसको 8 वोल्ट 9 वोल्ट में बनाया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बास ट्रेबल और वॉल्यूम का। अब मैं जा रहा हूँ आप लोगों को प्ले करके दिखाने, वॉल्यूम में पूरा कम कर लेता हूँ, पूरा कम हो गया, ठीक है। उसके बाद से ये भी पूरा कम हो गया, सॉरी एक वायर में दोस्तों यहाँ से दो वायर में करने छूट गया है। ये जो बास और ट्रेबल का जो करना है हमें ऑडियो इन देना है दोस्तों, वो मैं करने भूल गया हूँ। यहाँ से एक वायर, ये जो बास का बीच वाला वायर, बास से भी तो ऑडियो इन जाएगा दोस्तों, जो किट में बास से भी तो ऑडियो इन जाएगा। तो एक यहाँ से कनेक्ट करना है और एक यहाँ से कनेक्ट करना है, तो इन दोनों में मैं दो वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से इसको कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको जो है दो वायर जो है उसको किट में कनेक्ट कर लेना है, जिस प्रकार से वॉल्यूम वाले को हमने किट कनेक्शन किया हूँ किट में, ठीक है। तो ये यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर लिया हूँ मैं, उसके बाद से दूसरी वायर जो है मैं यहाँ से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। इसको इस प्रकार से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ ऑडियो इन। दोस्तों वॉल्यूम और ट्रेबल का भी तो जाएगा अंदर, इसीलिए यहाँ से तभी यह वर्क करेगा, ठीक है। अगर आप नहीं देते हैं तो नहीं करेगा। और मैं एक चीज़ में आप लोग देखिए दोस्तों, ये जो है दोनों में कनेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद से कनेक्ट करने के बाद इन दोनों वायर को मैं जोड़ लेता हूँ, क्योंकि दोनों तो साथ ही में सेम ही जगह तो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेम ही जगह में जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर सोल्डर करने के बाद इसको जोड़ लेता हूँ इसके ऑडियो इन में। आप दोस्तों ऑडियो इन जो है आप वॉल्यूम वाले में भी जोड़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जोड़ लिया हूँ। उसके बाद से अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा ऑक्स, इस ऑक्स को मैं लगा रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे, तो लग गया। अब देखिए, अब यहाँ से तो गाना बज रहा है। अब देखिए मैं वॉल्यूम बढ़ा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए वॉल्यूम तो बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन देखिए वॉल्यूम यहाँ पे तो मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका जो बास जो है कम है, ठीक है। मैं बास भी प्ले करके दिखा देता हूँ, आप लोग जो है गौर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर आप दोस्तों DJ का म्यूजिक यूज़ करेंगे तो अच्छी से सुनाई देगी आप लोगों को साउंड। उसके बाद से देखिए ट्रेबल जो है, ट्रेबल बहुत ही कम कर रखा हूँ मैं, इसी कारण से शायद हो सकती है प्रॉब्लम कुछ हुई हुई। देखिए आप
तो इस प्रकार से कुछ इसका म्यूजिक सिस्टम काम करता है दोस्तों। मैं ट्रेबल जो है सही से उस समय वर्क नहीं कर रहा था, थोड़ा सा मैं ट्रेबल दिया तो देखिए बास इसका जो है कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा थोड़ा अच्छे से। देखिए अब आप लोगों को ट्रेबल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप स्पीकर जो है बड़ा लगाएंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आप सही से इसका जो वॉल्यूम बास ट्रेबल जो है सही से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो भी कभी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।